हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की। तो इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपके प्रीवियस इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो पेपर्स हुए हैं उसमें, या फिर आपके इस पेपर्स में पूछे जाने की 2020 में पूरी पूरी संभावना है। आज की वीडियो में आपको परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से केमिस्ट्री पार्ट से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वो जितने भी इससे पहले कि हमने पार्ट 3 तक इसका वीडियो अपलोड किया है केमिस्ट्री का, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कीजिए और सभी वीडियो देखिए। और मैथमेटिक्स का और अगर आप फिजिक्स का वीडियो रहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। एक एक वीडियो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझिए। और हमने कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आपको बताए हैं, तो वहां पर सभी जो हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बताए उसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताए, तो आप देख सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आज का वीडियो दोस्त आपके लिए अति महत्वपूर्ण ये होने वाला है, चूंकि हम आपको जो क्वेश्चन आज लिए हैं वो आपके पेपर्स में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए दोस्त, आज हमने लिया है, ये पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये तो आपको हो सकता याद हो, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों याद कर रखेंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जेम्स चैडविक ने की थी, जो कि पॉलिटेक्निक 2011 में आ चुका है। तो यहां पर एक फार्मूला होता है, या हम कहते हैं एक ट्रिक होती है, इसका ट्रिक हमारा ध्यान दीजिएगा, ईंट पर नाच। क्या होता है दोस्त? ईट पर नाच। अभी देखिए इससे तीनों आपको याद हो जाएगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को पता भी हो। तो यहाँ पर ई का मतलब दोस्त इलेक्ट्रॉन, और टा का मतलब यहाँ पर थॉमसन, नहीं इसको थॉमसन समझिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। पास से दोस्त प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और नाच का मतलब हुआ यहाँ पर एन से क्या हुआ? न्यूट्रॉन। और चा से क्या हुआ दोस्त? चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ईंट पर नाच, ऐसे आपको ये सेंटेंस भी याद रहेगा, कोई कठिन सेंटेंस नहीं है, आपको ऐसे याद भी रहेगा, ईंट पर नाच। तो ईंट का मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, तो ई इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पर मतलब प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और नाच मतलब न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और कमेंट करके आप अपना आंसर बताते रहें, जैसे मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ता हूं तुरंत आप बताएं। अगला क्वेश्चन ये है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें चार ऑप्शन में आप कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। तो ऑप्शन चार आपको दिए हैं, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं कौन से हैं? तो दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक में नहीं होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका नाभिक होता है उसमें आपके कौन से होते हैं? उसमें दो चीज होती है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाहरी कोष में जो होती है, बाहरी कोष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, अर्थात ये आपका पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर ऋणावेशित होता है, ये आपका निगेटिव करेक्टर दर्शाता है, ये पॉजिटिव दर्शाता है, ठीक है। और आपका जो ये होता है ये न्यूट्रल होता है, इसलिए उदासीन करैक्टर इसका होता है, ये न्यूट्रल इसका करैक्टर है न्यूट्रॉन का, ये आपका उदासीन होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में होते हैं, और उसके बाह्य कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। आशा करते हैं ये आपको यहां पर क्लियर समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? जस्ट हमने जो आपको अभी बताया कि किस पर मूल कण होता है, कमेंट करिए दोस्त किस पर होगा ये मूल कण, किस पर यहां पर ऋणावेश होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका यहाँ पर ऋणावेश होता है। एक चीज आप ध्यान रखिए, आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए किस पर कितना आवेश होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। जो आपका प्रोटॉन होता है दोस्त, उस पर आपका होता है प्लस 1.6, और भी होता है लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, कितना दोस्त? +1.6 × 10⁻⁴ कितना? -19। ये कूलाम आवेश होता है किस पर? ये आपका होता है प्रोटॉन पर, और इतना ही आवेश, इतना ही -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम जो आवेश होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन पर आवेश आपका सेम होता है, बट इस पर क्या होता है? निगेटिव आपके इलेक्ट्रॉन पर, और
प्रोटॉन पर आपका क्या होता है पॉजिटिव, दोनों पर होता है 1. जो इसका मैग्नीट्यूड होता है परिमाण दोनों सेम होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ओके। और लेकिन आपका जो होता है वो आपका एक निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है जीरो, कितना होता है जीरो, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ओके। आगे देखिए दोस्त इसका आंसर कितना हुआ, मूल कण पर ऋण आवेश कितना होता है, मूल कण पर ऋण आवेश होता है, तो आपको अभी हमने बता दिया कितना होता है इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेश होता है, और इस पे 1.6 − 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम आवेश होता है। आशा करते हैं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्त की जो न्यूट्रॉन होता है उस पर आवेश होता है, अभी अभी हमने जस्ट बताया क्या होगा दोस्त, ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहे होंगे, आपको आंसर भी दिख गया होगा कौन सा ऐसा वेरी सिंपल क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर सी उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन, ये आपका प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और आपका न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और अभी हमने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ओके। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रोटॉन है आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके डिपेंड करता है कि आपने उसको किस प्रकार से पढ़ा है, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑप्शन को पढ़कर गलती भी कर सकते हैं, यहां पर ऑप्शन ये दिया है कि भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, प्रोटॉन भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, या फिर एक मूलभूत कण है, या फिर धनावेशित कण है, या फिर ये सभी, तो आपको चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए जल्दी दोस्त कौन सा आंसर सही होगा, पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा जा चुका है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ए सभी होंगे, इसमें आपके जितने भी करेक्टर आपको, ये भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, ठीक है, और ये एक मूलभूत कण है प्रोटॉन आपका, और ये धनावेशित भी होता है, क्लियर सी बात है, तो ये सभी इसके आंसर सही है, पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्त, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं दोस्त, तो प्रथम कक्षा में आपको पता होना चाहिए, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, होता है दोस्त कितना 2, 8, 8, इस प्रकार ये क्रम बढ़ता जाता है, लेकिन आपकी जो प्राइमरी सबसे फर्स्ट जो होता है कक्षा, पहली जो फर्स्ट क्लास होती है, पहली कक्षा में ओनली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे अधिक नहीं होती है, तो आपका इससे आंसर कौन सा हुआ सही, बी आपका 2 आंसर हुआ, कितना 2। आपने दोस्त एक आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार भी पढ़ा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, तो 1s2 क्या है, ये पहली कक्षा हुई, 1 पहली कक्षा, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब ये 2s2 2p6 क्या हुई, ये 2 जो है ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या, आपने हमने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिनोट किया है कि पॉइंट्स को, कि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशु क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ये सभी क्या होती है, क्वांटम संख्या क्या होती है, आप बाउ का नियम क्या होता है, हुंड का नियम क्या होता है, ये हमने सब कुछ आपको क्लियर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट कीजिए, अप्लाइड केमिस्ट्री का अभी वीडियो आप क्लियर से देख लीजिए, अभी आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करेगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ऑलरेडी बहुत वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में सभी क्लियर आप देखते रहे। तो दोस्तों क्या होता है यहां पर, ये दो जो देख रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या होती है, तो ये आपका इसमें 2 है, ये 3s2 आपका तीसरी कक्षा हो गया, तो पहले कक्षे में 1s2 आप देख रहे हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो आपका पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य है, चार ऑप्शन है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, इसकी आणविक संरचना और परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा सही होगा, इसको आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, उपरोक्त सभी होगा या फिर यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, वीडियो देखते रहें और आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है, हम आपको कमेंट का वेट करेंगे, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको आगे ले चलते हैं, लेकिन आप कमेंट उसका आंसर जरूर करें। देखिए दोस्त अगला है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, तो जो परमाणु का समस्त भार होता है वो आपके कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए नाभिक में स्थित होता है, क्योंकि जो आपका नाभिक है वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ पर नाभिक होता है उसका केंद्र माना जाता है, जो भार केंद्र होता है वो आपका नाभिक होता है, ठीक है, उसके बाह्य कक्षाएं जो होती है उसमें तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट आपका जो भार केंद्रित होता है वो कहाँ पर होता है, वो नाभिक पर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, न्यूक्लियर पर, ठीक है। अगला दोस्तों कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है, आपको यहां पर परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता आपसे पूछा गया है, ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक,
तो बताइए दोस्त कौन सा है। यहाँ पर थॉमसन तो आपका हो नहीं सकता है और चैडविक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये पोर्टरान ईट पर नाच को जो फॉर्म ने बताया था ट्रिक, उस पर ये इन्होंने किया था, कर सकते थे, बट यहाँ पर इनका दोनों का नहीं है। हम आपको एक देते हैं चांस कि आप बताइए इसमें से कौन सा हो, गोल्डस्टीन होगा या फिर रदरफोर्ड होगा, दो ही है, बताइए कौन सा होगा, गोल्डस्टीन होगा या फिर रदरफोर्ड होगा। इसमें आपको दो ऑप्शन दिया है, परमाणु की नाभिक के खोजकर्ता कौन है, यहाँ पर क्लियर आप समझिए कौन से होंगे इसके खोजकर्ता, बताइए। तो परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर है बी रदरफोर्ड। कौन है दोस्त, रदरफोर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, है कि 92 यूरेनियम होता है, 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। हमने इससे रिलेटेड आपको एक टॉपिक पढ़िए कंप्लीट बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और ये सभी कैसे, द्रव्यमान संख्या कैसे निकाला जाता, हमने क्लियर आपको बताया था। तो देखिए दोस्त, हम आपको सिंपल सी भाषा में बता देते हैं कि आपको अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, लेकिन ध्यान दीजिए उदासीन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो सिंपल सा परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप, 238 में से आपको 92 कर देना है माइनस, ठीक है, आपका हो जाएगा यहां पर 6 और यहां पर आपका कितना होगा, यहां पर आपका होगा 4 और ये हो 1, अर्थात 146 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको ये जो 92 है ये परमाणु क्रमांक है, 238 जो है ये आपका परमाणु भार है, क्या है, परमाणु भार है, ओके, और ये आपको जो देख रहे हैं नीचे ये आपका परमाणु क्रमांक है, ओके, तो ये क्या है आपका नीचे वाला, आप जो देख रहे हैं ये परमाणु क्रमांक है और ये आपका ऊपर वाला परमाणु भार है 92 यूरेनियम 238। न्यूट्रॉनों की संख्या इसी प्रकार आपको दोनों को माइनस करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये उदासीन के लिए ये नियम लागू होता है। अगर आपसे इसी प्रकार पूछ लेता है कि दोस्त बताइए कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आप कितना आंसर करेंगे, जल्दी बताइए आप कितना आंसर करेंगे, अगर आपसे पूछता है प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है 92 यूरेनियम 238 कितना होगा आंसर, बताइए कितना होगा प्रोटॉनों की संख्या। हम आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ रहे हैं, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आप बताइए, बताइए कितना है, सिंपल सी बात है दोस्त, इसका 92 आपके परमाणु के में जो परमाणु क्रमांक होता है वही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही आपके प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो आपका अगर 92 परमाणु क्रमांक है तो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होगी, कितना 92, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 92। बट एक चीज का सदैव ध्यान रखिएगा, अगर आपका वो उदासीन परमाणु है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 92 यहां पर कोई उदासीन का मतलब जैसे Na+ है, ये क्या है, ये उदासीन नहीं है, ये आपका धनावेशित हो गया, Na+ क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने वापस ये बाहर दे दिए, तो प्रोटॉनों की संख्या, यहां इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, इनके पास इनके पास अगर आपसे कहें प्रोटॉनों की संख्या इस समय कितनी है, तब भी 11 है, ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि Na में कितने परमाणु क्रमांक है, 11। और यहां पर देखिए हम आपको क्लियर एक चीज कर देते हैं, जैसे आप Na है, ठीक है, और एक Na+ है, अब इसमें कहते हैं हम, आप बताइए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, आप बताएंगे 11, ओके, इसका कितना है 11, बहुत सही। अब बताइए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, दोनों बताइए, तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है 11 है, ठीक है, परमाणु क्रमांक दोनों का 11, चूंकि सोडियम 11 होता है, कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन परमाणु क्रमांक आपका चेंज नहीं होता है, ओके, परमाणु भार आपका चेंज नहीं होता वैसे, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हुआ, यहां पर आपका परमाणु क्रमांक 11, इसका भी परमाणु क्रमांक 11, लेकिन आपसे हम पूछते हैं आप बताइए कि यहां पर इनका प्रोटॉनों की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको हम ये बताते हैं दोस्त, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 ही रहेगी, इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या 11 रहेगी, लेकिन अगर आपका Na है और Na+ है तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन 10, इसमें 11 होंगे, लेकिन इसमें कितने होंगे, इसमें 10 होंगे, क्यों, चूंकि Na+ हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, तो इसीलिए ये उदासीन परमाणु के लिए आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो 11, इसमें 10, एक कम हो गया ना दोस्त, तो ये चीज हम आपसे कह रहे हैं अगर उदासीन है तब, जैसे क्लोरीन है आपका, क्लोरीन कितना होता है 17, तो उसका 17 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 17, लेकिन अगर आप हमसे कहें क्लोरीन माइनस, क्लोरीन पर एक माइनस लगा, क्लोरीन आपका ऋणावेशित हुआ, तो ये क्या हुआ 17 में से एक क्या होगा जुड़ जाएगा, 17 एक कितना हो गया 18, अर्थात क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीज कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, मतलब आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए कि Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है या कितने प्रोटॉनों की संख्या है, आपसे Cl पूछ सकता है, कोई भी आपसे ले सकता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है, ये पूर्ण उदासीन के लिए होता है, लेकिन अगर आपका धनावेशित हो जाता है तो आपका उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या
Na आपका Mg2+ हो गया तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, और अगर आपका उसमें माइनस हो जाता है तो आपके इलेक्ट्रॉन उतने आ जाते हैं। तो इसका आंसर हुआ 146। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर दोस्तों को अपने जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उतने क्वेश्चन अच्छे से प्रोवाइड कराए जाएं और जो क्वेश्चन बताए जाएं उसमें अंदर कंटेंट आपको जो बताया जाए, अंदर टॉपिक वो अच्छा डिटेल्स में समझाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं आपको ले लेता हूं लेकिन क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ये पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है दोस्तों CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कितना CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा ना दोस्त, ये कोई आपका धनावेशी ऋणावेशी तो दिख नहीं रहा है, सिंपल है ना, CO2, ठीक है। तो क्या करना है आपको, CO2, तो जितना हम आपको बताना चाहेंगे तो दोस्त हम ये कह रहे हैं कि आपके जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना आपका परमाणु क्रमांक भी होगा, ओके। लेकिन आपको उसी कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में होगा जब आपका जो अणु है या फिर परमाणु है, जो चीज़ है वो आपका वहाँ पर पदार्थ है, वो क्या होना चाहिए, वो आपका उदासीन होना चाहिए। जैसे ये आपका CO2 प्लस है, ये क्या है, ये उदासीन हुआ अणु है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, CO2 है, C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है दोस्त, 6 कार्बन होता है, 6 लिखना है, ठीक है। इसका कितना होता है, ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन होता है, 8 आपका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। 8 दूनी कितने हो गए, 16, और 16 6 कितना होते हैं, 22। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 22। ध्यान दीजिएगा आपको इसमें परमाणु भार नहीं देखना है, चूंकि हमने आपको बता दिया कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उदासीन के लिए, जी ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये किसके बराबर होती है, ये आपके परमाणु क्रमांक के इक्वल होती है, किसके दोस्त, परमाणु क्रमांक के इक्वल होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो परमाणु क्रमांक इसका जो आता है उसको ऐड कर लीजिए, वही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जैसा कि हमने आपको बता दिया 6 + 8 × 2 आपका आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, कितना 17, और इसमें बताइए कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। अभी भी जस्ट हमने आपको क्लियर किया इस पॉइंट को, बताइए कितना आंसर होगा, बताइए जल्दी कितना होगा इसका आंसर। नाभिक का जो आपका तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 17 है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी बताइए, सिंपल सी बात है दोस्त, जब ये कह रहा है किसी तत्व का तो सिंपल सा है, 17 परमाणु क्रमांक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर तत्व लिखा है, आपसे यहाँ पर कोई ऐसा लिखना है कि धनावेशित या ऋणावेशित ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, ठीक है, सिंपल सा आपसे कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा दोस्त, 17 होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, चूंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है उदासीन तत्व के लिए। तो वहाँ पर अगर और एक चीज ध्यान दीजिएगा, उदासीन के लिए जो परमाणु क्रमांक होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक ये क्या होता है, चाहे आपका उदासीन हो या फिर ऋणावेशित हो या फिर धनावेशित हो, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक सदैव सेम होंगे, बस आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंजिंग आती है, क्योंकि जो आपके निकलते हैं या आते हैं वो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना कि प्रोटॉन आते जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर समझ लीजिएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि Na प्लस है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, और कौन जा रहा है, प्रोटॉन नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, और अगर Cl- है तो उसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, प्रोटॉन आया नहीं है, इलेक्ट्रॉन आया है, इसीलिए आपका Na प्लस Cl- होता है। अब आगे चलते हैं दोस्त, आगे देखिए क्वेश्चन को, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कि परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। अब आ गया आपका एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी मोस्ले, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त, मोस्ले ने इसकी खोज की थी पॉलिटेक्निक 2006 में। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ईंट पर अनाज को याद करते हैं, हो सकता है कि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस पॉइंट को, यहां पर आपको दोस्त क्लियर यहां पर समझिएगा। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से, इसका रीजन क्या था, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन होता है इसलिए इसकी खोज देर में हुई थी, इसका रीजन यह है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है कि न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं इसलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त यह है कि निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है। तो देखिए दोस्त यहाँ पर आपकी सामान्य संयोजकता क्या होती है, इस चीज़ को समझिए। संयोजकता ये होती है कि आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपसे कहें Na+,
तो Na+ में संयोजकता इसकी कितनी है, इसकी संयोजकता एक है। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, अर्थात यहाँ पर दाता की इन्होंने कार्य किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इनके देने की वजह से यहाँ पर इनकी संयोजकता एक हुई। अगर हम बात करें आपसे Cl- की संयोजकता कितनी होती है, Cl- की संयोजकता कितनी होगी, इसकी भी संयोजकता कितनी होगी, एक होगी। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया है, इसलिए तो आपका वहाँ पर क्या होता है परमाणु क्रमांक, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप बता सकते हैं कि उसकी संयोजकता कितनी है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, 12। 12 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो आप ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, Mg2+ जो होता है, अर्थात आपका 12 जिसे मैग्नीशियम है, 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है, मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 282 होगा। बायकोस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता 2 होगी। तो Mg2+ जो आपका होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, जैसा आप देख सकते हैं Mg2+, तो मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, तो उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, तो अगर 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो क्या होगा, 288.1। ओके, तो यहां पर आपका 2881 होगा, तो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। कितनी है दोस्त, 1। तो इसका आंसर आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर 1 होगा। आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, इस प्रकार भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये क्या हुआ आपका 4s2। तो यहां पर आपका क्या है, बाहरी कोष में 4s1 होगा, क्योंकि आपका एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहां पर आप ऐड करेंगे 2, 2, 4, 10, 2, 12 और 6, 18 और ये कितना हो गया, 19। तो बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगला चलते हैं दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि रदरफोर्ड अल्फा कर प्राकीर्णन के प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का प्रयोग किया था, सोने की पन्नी या फिर चांदी की या फिर एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम की। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, आप बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्त। ऑप्शन बिल्कुल ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, सोने की, उन्होंने गोल्ड की पन्नी का यूज किया था, गोल्ड की जो पन्नी थी उसका यूज किया था। अल्फा प्राकीर्णन उन्होंने, रदरफोर्ड ने जो किया था, तो उन्होंने जो किया था नाभिक के, जब उन्होंने अल्फा का प्राकीर्णन किया था अल्फा की के माध्यम से, तो उसमें क्या किया था, जो मतलब मटेरियल जिसको यूज किया था वो आपके सोने की पन्नी थी। ठीक है, इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसीलिए इन्होंने सोने की पन्नी का यूज किया था। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए दोस्त। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलना आपको बेहद जरूरी है। और आपको एंट्रेंस एग्जाम की अभी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कीजिए, आगे आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस के पेपर्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके साथ बना हूँ, बेहतर तरीके से आपको तैयारी करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। धन्यवाद।